हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स. दिस इज़ नीलम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेस. और आज हम वही इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम में पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारे हम क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि उनके जो यूजेस हैं वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है. सो आपके सामने है फर्स्ट ईडियम. डायरेक्शन देख लेते हैं. डायरेक्शन में कहा जा रहा है, इन दिस क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम्स और फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस. बोल्ड में दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हार्ड हार्टेड एक ईडियम है. इसका मीनिंग बताना है आपको. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज. तो देखिए, जैसे यहाँ पर माई फ्रेंड इज क्वाइट हार्ड हार्टेड, तो देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग. सो लेट्स डिस्कस. माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हार्ड हार्टेड, मतलब मेरे फ्रेंड का जो हार्ट है वो हार्ट कैसा है, हार्ड है. जनरली जो हार्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होता है. सॉफ्ट हार्टेड मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा पर्सन जिसका हार्ट कैसा है, सॉफ्ट है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है. लेकिन वही अगर कहेंगे हम हार्ड हार्टेड, मतलब उसका हार्ट कैसा है, हार्ड है, मतलब कि वो इंसान कैसा होगा, इमोशनल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रूएल बिल्कुल हो सकता है, रूड भी हो सकता है, सेंटिमेंटल तो बिल्कुल नहीं होगा. अब हमें देखना है क्रूएल है या रूड है. तो रूड तो एक अलग चीज़ होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रूएल. क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज़्यादा क्या होता है, काइंड होता है, दयालु होता है. तो यहाँ पर काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रूएल. ओके, तो हार्ड हार्टेड एक इडियम है जिसका मतलब होता है क्रूएल. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड इज हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन. तो देखिए ये ऑन द वेन, ये आपके पास एक इडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है. तो देखिए क्या हो सकता है. लेट्स डिस्कस हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन. अब ऑन द वेन का मीनिंग देखते हैं. यहाँ पर ऑन द हाइट्स ये बिल्कुल नहीं होगा, स्टैंड स्टिल बिल्कुल नहीं होगा, वर्ज ऑफ इरप्शन ये भी बिल्कुल नहीं होगा. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना. ओके, इसका मीनिंग होता है टू बिकम वीक, टू बिकम वीक या किसी चीज़ का कम हो जाना, वो होता है ऑन दी वेन. मतलब उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो फेम है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है. ओके, तो ऑन दी वेन मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना या किसी चीज़ का लेस होना. नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए. ही वॉज इन डोल्ड्रम्स आफ्टर द क्वारल विथ हिज ब्रदर. तो देखिए क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इडियम एग्जाम्स में. लेट्स डिस्कस ही वॉज इन डोल्ड्रम्स, कब, आफ्टर द क्वारल विथ हिज ब्रदर. तो उसके ब्रदर से फाइट होने के बाद वो किस में था, डोल्ड्रम्स में था, है ना. जब किसी से घर में लड़ाई होती है तो हम डोल्ड्रम्स में चले जाते हैं, मतलब कि क्या, चल किस में चले जाते हैं, हमारे जो स्पिरिट्स होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम, लेथार्जिक हो जाते हैं. ठीक
ओके, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? जुबिलेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपोजिट है. जुबिलेंट मतलब खुश हो जाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. बी है इन लो स्पिरिट्स, तो ये बिल्कुल सही है. एंग्री भी नहीं और लेफ्ट द हाउस तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा लो स्पिरिट्स. नेक्स्ट नेक्स्ट है टू गो अबव बोर्ड, तो देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग. लेट्स डिस्कस टू गो ओवर बोर्ड, किसी चीज़ को ओवर करना, ओवर तरीके से करना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से करना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक करना, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा करना. ओके, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कोई एंथुसियास्टिक होता है, उसे भी हम कहते. तो यहाँ पर देखिए टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. टू एनकरेज समवन इन बैड टाइम्स, इन हिज बैड टाइम्स, नहीं होगा. टू डू मच ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे में करना, उसे हम कहते हैं टू गो ओवरबोर्ड. और वंस इन लाइफ टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा. जैसे शी वेंट ओवरबोर्ड टू कुक बिरयानी, कि बिरयानी कुक करने के लिए वो ओवरबोर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा उसको टेस्टी बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें की, तो इसे कहा जाता है टू गो ओवरबोर्ड. नेक्स्ट देखिए ऑन द रॉक्स, वेरी इंटरेस्टिंग इडियम. अगर मैं बोलूँ हिज मैरिज वॉज ऑन द रॉक्स, हिज मैरिज वॉज ऑन द रॉक्स, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल फेल होने वाली है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, इसे हम कहते हैं ऑन द रॉक्स. हिज मैरिज वॉज ऑन द रॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली आ रही है, या बिल्कुल वो मैरिज फेल होने वाली है, इस तरीके से. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे लाइकली टू फेल, बिल्कुल इसका आंसर होगा. टू फील वेरी सैड, बिल्कुल नहीं होगा. टू एक्ट कॉन्फिडेंट इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल नहीं होगा. टू कमिट अ फ्रॉड, नहीं. ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फेल होने वाली, ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्टी में है, वहाँ पर हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों को, तो उसे हम कहते हैं ऑन दी रॉक्स. नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ.
लेट्स डिस्कस फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका मतलब क्या हो सकता है? हॉर्स के मुंह से डायरेक्टली कुछ सुनना. ओके, टू मेक टू बेयर द सीन्स फॉर अदर्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. फ्रॉम एन ऑथोरिटेटिव और डिपेंडेबल सोर्स, ये बिल्कुल हो सकता है. टेक अ सबॉर्डिनेट पोजिशन, नहीं. वरीड फॉर फ्रिवलस थिंग्स, नहीं. फालतू चीज़ों के लिए वरी, फ्रिवलस मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, नहीं. इसका जो आंसर होगा वो होगा गाइज बी, फ्रॉम ऑथोरिटेटिव और डिपेंडेबल सोर्स. या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, मतलब ऐसा पर्सन जिसे वो चीज़ पता है, डायरेक्टली ऐसा पर्सन जिसे वो चीज़ पता है उसी के मुंह से अगर हम कुछ सुन रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रॉम दी हॉर्स माउथ. कि जो अथॉरिटी है, जिसे सही चीज़ पता है, उसके मुंह से हम अगर सुनते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रॉम दी हॉर्स माउथ. नेक्स्ट देखते हैं, टू कट कॉर्नर्स. तो देखिए क्या हो सकता है, कॉर्नर्स को कट करना. लेट्स डिस्कस टू कट कॉर्नर. सपोज दो इंसान है, ओके, यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है. अब ये वाला जो पर्सन है, ये पर्सन, ये इसको भी जाना है कहीं पर, ये इस प्लेस पर पहुँचना है, ओके. ये एक प्लेस है, सपोज ये कोई कोई ऑफिस या कुछ है. तो ये जो इंसान है ये ऐसी रास्ता पकड़ता है, कॉर्नर्स वाली, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ये ऑफिस पहुंचता है. और ये वाला जो इंसान है ये सीधा 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 जा के ऑफिस पहुंच जाता है, ओके. तो अब इस, ये जो इंसान था इसने कॉर्नर कॉर्नर से जाके अपने ऑफिस में पहुंचा, और ये जो इंसान था ये सीधा 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 पहुंच गया. अब ये जब सीधा सीधा पहुंच रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, व्हीकल्स थे, बहुत सारे व्हीकल्स उसे रास्ते में पड़े. अब ये जो इंसान था ये गली गली में होते हुए गया, घर के अंदर से जो गली होती है हमारे घर के सामने से, वहाँ से, तो इसे कोई ट्रैफिक मिला ही नहीं. तो ये जो हुआ ये जल्दी से पहुँच गया अपने ऑफिस, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा. क्यों? क्योंकि ये सीधे रोड से गया, और रोड में क्या मिला इसे, ट्रैफिक मिल गया. लेकिन इसने क्या किया, कॉर्नर से होते हुए गया, ओके, ये कॉर्नर्स को कट करते हुए गया, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये अंदर की गली में से अपने ऑफिस के लिए गया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, टू टेक शॉर्टकट्स, कि ये शॉर्ट रास्ता पकड़कर अपने ऑफिस गया, और ये जो इंसान था ये सीधा सीधा चला गया, ओके. तो टू कट कॉर्नर्स मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट्स. नेक्स्ट देखते हैं, टेक समथिंग विच अप विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेट्स डिस्कस, देखते हैं, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होगा. सपोज कोई पर्सन है और वो पर्सन आपको कोई चीज़ बता रहा है, आपसे कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको वो बता रहा है उसको आपने कैसे ली, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट हम कैसे लिखते हैं, पिंच से चुटकी. तो उसकी जो बात थी हमने बस एक चुटकी भर ली, मतलब कि उसने जितना भी बोला उसमें से हमें कुछ बातें ही सही लगी. मतलब कि बिलीविंग समथिंग विथ अ डाउट, कि बहुत सारी बातें कही लेकिन बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी, हमें बहुत डाउट हो रहा था कि वो सही है या नहीं, इसलिए हमने उसकी बात पर कितना भरोसा किया, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इतना मतलब एक चुटकी जितना, मतलब कि बहुत कम. तो इस तरीके से आप इस idiom को लर्न कर सकते हैं कि बिलीविंग समथिंग विथ अ डाउट. नेक्स्ट,
एवरी डॉग हैज इट्स डे. ओके, इट्स नहीं होगा यहाँ पर, हिज डे होता है. तो देखिए, ये तो सभी को पता होगा. ये तो सभी को पता होगा, हर कुत्ते का एक दिन आता है, मतलब हर पर्सन को उसकी अपॉर्चुनिटी या चांस मिलता है. तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट टू लेट बिल्कुल नहीं होगा. एज अ लो प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं. एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, मतलब हर किसी को चांस मिलता है. एंड वंस इन लाइफ टाइम भी बिल्कुल नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, और ये सभी से बन गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग. सो गाइज, यहाँ पर हम कह रहे हैं टू बर्न द कैंडल एट दी बोथ एंड्स. ओके, एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है टू वर्क डे एंड नाइट, मतलब कि दिन रात या सुबह से शाम तक काम करना. इसे हम कहते हैं टू वर्क डे. क्या हम ये कह सकते, तो टू वर्क फ्रॉम डे, या इसे दूसरे तरीके से बताती हूँ गाइज मैं आपको. इसको हम ऐसा करेंगे, एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट, मतलब सुबह से रात तक काम करना. इसे हम कहते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स. बोथ एंड मतलब एक एंड है हमारा मॉर्निंग एंड दूसरा है नाइट. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू वर्क हार्ड एंड स्टे अप वेरी लेट नाइट, बिल्कुल यही सही होगा ऑप्शन. टू कॉन्ट्रीब्यूट मनी फॉर पार्टी, बिल्कुल नहीं. टू हैव फेथ इन गॉड, नहीं. टू कमिट अ ब्लंडर, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कि दिन रात काम करना. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू जॉब मेक्स मी बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कि मुझे दिन से सुबह से रात तक काम करना पड़ता है उस जॉब के लिए. नेक्स्ट देखिए, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ये क्या हो सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग idiom है ये. सो गाइज, इस idiom का मीनिंग होता है एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, इसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. और यहाँ पर देख पा रहे हो, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और बोथ मतलब ये एक से तो ज़्यादा के लिए. तो मतलब यहाँ पर देखिए, टू विन अ विक्ट्री ओवर, ये तो नहीं होगा. टू बी जज
सॉरी टू बी जज्ड एज एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा. वरीड फॉर फ्रिवलेस थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिंता करना बिल्कुल नहीं. तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एन्जॉय डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट अ सिंगल टाइम. कि सिंगल टाइम पे बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. क्योंकि बोथ मतलब एक से ज़्यादा होता है, दो के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, तो इसी से हमें समझ में आता है कि ये इसका सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. लेट्स चेक, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. अब यहाँ पर देखिए डिसगाइज, अब डिसगाइज मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि हमें जो दिख रहा है वो होता नहीं है, वो है ना, इसे हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं. कैमोफ्लेज मतलब उसे छुपे हुए अवतार में, डिसगाइज मतलब वो है कुछ और ऊपर से उसने अपना हुलिया कुछ और बना रखा है, तो उसे हम कहेंगे डिसगाइज. अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब कि कोई कंडीशन है जो कि आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट लग रही है, ओके, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं, वो आपकी बेस्ट चीज़ थी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. मतलब कि कोई चीज़ जो आपको पहले लगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कुछ, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. मतलब कि आपकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है जो कभी आपके लाइफ में हुई होती थी, ओके. तो मतलब पहले आपको लग रही है कि प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सबसे अच्छी चीज़ या बेस्ट चीज़ है जो ये मेरी लाइफ में हुई है. तो यहाँ पर देखेंगे फेवरेबल सिचुएशन अंडर द प्रिटेंस ऑफ अनलक्की वन, तो बिल्कुल यही आंसर होगा कि पहले लगता है कि ये कितनी बुरी चीज़ है, कितनी अनलक्की चीज़ है मेरे लिए, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो बेस्ट चीज़ थी, ओके. ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे. नेक्स्ट देखते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स. लेट्स चेक, बेंड ओवर बैकवर्ड्स. बैकवर्ड्स बेंड होना, इसका मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग एस्पेशली फॉर समवन. बिल्कुल ये आंसर है. टू कीप पीपल एट डिस्टेंस ये भी नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं, टू रिग्रेट भी नहीं. इसका मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को खुश करने के लिए, टू मेक देम हैप्पी, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ओके. नेक्स्ट देखते हैं, अ वाइट एलिफेंट. दिस इडियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए क्या होता है वाइट एलिफेंट.
let's check a white elephant. Suppose मेरे पास एक कार है और वो जो कार है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो मैंने कहा दिस कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, कि ये जो कार है ये मेरे लिए कैस क्या बन गई है, एक वाइट एलिफेंट बन गई है, क्योंकि उस कार को मुझे एवरी मंथ, हर मंथ मुझे उसे रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता है, मुझे उसे मतलब कि हम देते हैं ना गैराज पे गाड़ियों की सर्विसिंग करने के लिए, तो मुझे एवरी मंथ उसे सर्विसिंग करने के लिए देना पड़ता है, हर हर मंथ मुझे बहुत ज़्यादा उस पर पैसे मनी खर्च करने पड़ते हैं, तो वो जो कार है वो कार मेरे लिए क्या बन गई है, एक वाइट एलिफेंट बन गई है, मतलब कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कैसी कॉस्टली एंड ट्रबलसम बन गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पैसा भी लग रहा है एंड प्रॉब्लम भी हो जाता है, कहीं भी जाओ तो रास्ते में बंद पड़ जाती है, इस तरीके की वो पोजेशन कार बन गई है, तो वो कार मेरे लिए क्या होगी, वाइट एलिफेंट, मतलब कि कोई कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, पोजेशन मतलब कोई चीज़ जो हमारी है. नेक्स्ट देखते हैं, हॉब्सन्स चॉइस. लेट्स डिस्कस हॉब्सन्स चॉइस. अब देखिए एक्चुअली ये हॉब्सन्स चॉइस से रिलेटेड, ये जो हॉब्सन्स है तो ये थॉमस हॉब्सन्स करके कोई पर्सन था, इस तरीके की एक स्टोरी रीड की है मैंने, तो ये थॉमस हॉब्सन्स करके एक पर्सन था और ये जो पर्सन था ना ये हॉर्स सेल करता था, मतलब हॉर्स का उसका कुछ बिजनेस था, तो वो क्या करता था कि कोई भी अगर हॉर्स खरीदने आता था कोई पर्सन उसके पास, तो जो स्टेबल होता है ना, स्टेबल मतलब जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है, तो जो डोर होता है स्टेबल का, जहाँ से उसका मतलब एंट्री एंट्री का जो गेट था जहाँ पर सारे हॉर्स रहते थे, तो हॉर्स के एंट्री के पास जो हॉर्स रहेगा वो ही वो अपने कस्टमर को देता था, मतलब कि थॉमस हॉब्सन का कोई बिजनेस था हॉर्स का, जो हॉर्स सेल करता था, तो वो अपने कस्टमर्स से जो स्टेबल मतलब जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है तो एंट्री गेट के पास जो हॉर्स होगा वही उस कस्टमर को लेना होता था, मतलब कि उन कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं होती थी कि वो हॉर्स को देखे और उन्हें कौन सा हॉर्स अपने चॉइस का मतलब चॉइस का नहीं ले पाते थे कि कौन सा हॉर्स उन्हें पसंद आ रहा है कौन सा खरीदना है, ऐसी कोई चॉइस नहीं होती थी, जो इस डोर के पास होता था वही उन्हें लेना पड़ता था, तो इसीलिए ये एक स्टोरी ऐसी पढ़ी है मैंने. सो यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर सही ऑप्शन एक्सेलेंट चॉइस तो नहीं होगा, चॉइस टू लिव और डाई नहीं, फर्स्ट चॉइस नहीं, यहाँ क्या होगा, नो रियल या चॉइस एट ऑल. ओके, या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है फोर्स चॉइस, फोर्सफुली अगर कोई चॉइस या डिसीजन लेना पड़ता है उसे भी हम कहते हैं ऑप्शंस चॉइस. नेक्स्ट देखते हैं फेयर वेदर फ्रेंड. ओके, सो लेट्स चेक फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड मतलब ये ऐसा फ्रेंड होता है जो आपको क्या करे, डिफ़िकल्टीज़ में डाल दे, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे, किसी प्रॉब्लम में डाल दे, ऐसे फ्रेंड को हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड. तो गुड फ्रेंड तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अ फ्रेंड हु मीट्स डिफ़िकल्टीज़ बिल्कुल नहीं, अ फ्रेंड दैट डेजर्ट्स इन डिफ़िकल्टीज़ यस, जो हमें डिफ़िकल्टी में डाल दे, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अ फ्रेंड दैट डेजर्ट्स इन डिफिकल्टीज. नेक्स्ट देखते हैं एग ऑन, तो देखिए क्या हो सकता है ये एग ऑन.
सो गाइज, एग ऑन, और एग ऑन का मतलब होता है किसी को अर्ज करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना. लेकिन किस लिए भड़काना? किसी कोई फुलिश या कोई डेंजरस चीज़ को करने में. ओके किसी कोई फुलिश या किसी डेंजरस चीज़ को करने के लिए हम किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स करते, अर्ज करते, प्रोवोक करते, उसे हम कहते हैं एक्ट ऑन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ज. नेक्स्ट देखिए, ऑन द वेन. ऑन द वेन हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके तो जिसका मीनिंग क्या होता है? ऑन द वेन हमने अभी डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का लेस हो जाना, कम हो जाना. तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोइंग लेस. नेक्स्ट देखते हैं, स्पिल द बिन. ये idiom आपने काफ़ी देखा होगा. क्या होता है इसका मीनिंग देखिए. स्पिल द बिन, तो बात करें अगर इस idiom की, तो स्पिल मतलब होता है, इसका मीनिंग ही होता है किसी चीज़ को रिवील कर देना. रिवील मतलब किसी चीज़ का सीक्रेट रिवील कर देना, ओपन कर देना. ओके तो स्पिल द बिन का मतलब क्या हो जाएगा? स्पिल द कंटेंट ऑफ द पैकेज नहीं, हिंटेड द कॉन्सिक्वेंस नहीं, रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना, किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का खुलासा कर देना, ये होता है स्पिल द बिन. नेक्स्ट देखते हैं, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड. तो क्या होगा इसका आंसर? लिव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर एक पत्थर को टर्न कर देना. मतलब किसी चीज को किसी चीज को पाने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाना या हर पॉसिबल तरीका से ट्राई करना, इसे हम कहते हैं लिव नो स्टोन अनटर्न. तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू टेक रेस्ट नहीं, टू कन्फेस विथ रिजर्व नहीं, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से किसी चीज को ट्राई करना. नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया, काफी बार पूछा गया है ये idiom. सो गाइज, लेट्स चेक क्या होगा इसका मीनिंग. हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कि हैज नो रिजल्ट नहीं, वर्क फॉर बोथ साइड भी नहीं, हैव अ प्राइवेट एजेंडा और फेल्स टू अराउज इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं. मतलब कि सपोज आप कोई चीज कर रहे हो और उसमें आपका खुद का कोई प्राइवेट रीजन है उस चीज को करने का, कोई प्राइवेट एजेंडा है, कोई आपका उसमें फायदा है, और अगर आप वो चीज कर रहे हो तो इसे हम कहते हैं हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड. ओके नेक्स्ट देखते हैं, कैटर्स टू द ईगो. इसको अच्छा बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला थोड़ा दिक्कत है इसमें. नेक्स्ट देखिए, 23rd, ऑन द ब्रिंक ऑफ. ये तो काफी इजी है.
लेट्स चेक ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब हिंदी में कहते हैं कगार पे, बस किसी होने के कगार पे, बस जो होने ही वाला है. तो ऑन द पॉइंट ऑफ हो सकता है बिल्कुल, ऑन द टॉप ऑफ नहीं, ऑन द साइड ऑफ नहीं और बैक ऑफ नहीं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द पॉइंट ऑफ. नेक्स्ट देखते हैं द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. देखिए द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा यहां पर, टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, बिल्कुल नहीं होगा. वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड, बिल्कुल हो सकता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा कैसा है, ऑनेस्ट है और बहुत अच्छा है. टू सपोर्ट भी नहीं, नीट एंड क्लीन नहीं. तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो ऑनेस्ट पर्सन होता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ. एंड द लास्ट क्वेश्चन फील ब्लू. तो देखिए क्या हो सकता है, फील ब्लू, ब्लू फील करना. सो लेट्स डिस्कस, फील ब्लू मतलब होता है कि सैड फील करना या डिप्रेस्ड फील करना, इसे हम कहते हैं फील ब्लू. फीलिंग एक्सटेटिक बिल्कुल नहीं होगा, इन ट्रबल एंड डिप्रेस बिल्कुल हो सकता है, एंड ईजी अचीवमेंट नहीं एंड. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इन ट्रबल. सो थैंक यू वेरी मच गाइज़.